कनेक्टिकट के शहर ग्लास्टनबरी में एक इंटरनेशनल मुशायरा और एक किताब की तकरीब रोनमाई में SIUT पाकिस्तान की ह्यूमैनिटेरियन काज के लिए की जाने वाली खिदमात को, जो कि वो गुज़िश्ता 40-50 सालों से कर रहा है, बहुत सराहा गया। उन मरीजों का जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, बिल्कुल मुफ्त इलाज हो रहा है, खास तौर पे किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त किए जा रहे हैं। इस मारकतुल आरा काम को बहुत सराहा गया और इस इवेंट के शुरका ने SIUT की कारकर्दगी को नोह इंसान की खिदमात में एक उम्दा मिसाल करार दिया। SIUT के एसोसिएट डायरेक्टर रिजवान मुमताज, जो पिछले 4 दिहाइयों से इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं और NED यूनिवर्सिटी कराची से ग्रेजुएशन और कैंसास USA से मास्टर्स की डिग्री हासिल की, SIUT के बारे अपना इजहार ख्याल करते हुए कहा, मेरा नाम रिजवान मुमताज है और SIUT नॉर्थ अमेरिका का मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूं और ट्राई स्टेट एरिया को रिप्रेजेंट करता हूं। SIUT, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में एक बहुत ही मशहूर इदारा है, जो कि फ्री डायलिसिस और फ्री किडनी ट्रांसप्लांट्स और फ्री, तकरीबन फ्री इलाज लाखों इंसानों का कर रहा है और हज़ारों डायलिसिस होते हैं महीने में और अब तक तकरीबन 700-800 ट्रांसप्लांट्स भी हो चुके हैं। और हम लोग यहाँ से वी आर अ 501c रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और हम यहाँ से फंड जमा करके ऑन एन एवरेज अब तक हम $15-20 million का इक्विपमेंट, हाई टेक्नोलॉजी लेज़र इक्विपमेंट, रेडियोलॉजी का सामान पाकिस्तान भेज चुके हैं। और अभी इसी साल हमने एक बहुत बड़ा फंड रेजर किया है ह्यूस्टन में, जिसमें के हमने तकरीबन $1 million रेज किया है। तो इस मुशायरे में हम SIUT स्पॉन्सर कर रहे हैं, जस्ट टू अवेयर, मेक द कम्युनिटी अवेयर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली हमने मैसाचुसेट्स में भी चैप्टर अपना लॉन्च किया है और यहाँ पे जो मैसाचुसेट्स चैप्टर के लीड हैं डॉक्टर रमज़ान, वो भी यहाँ मौजूद हैं और आज वो स्पीच करेंगे SIUT के बारे में। तो ये मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत कामयाब है और तकरीबन 250 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस इवेंट एंड थैंक यू वेरी मच। गुजारिश करूँ SIUT के मैसाचुसेट्स चैप्टर के प्रेसिडेंट मोहम्मद रमज़ान से कि वो आएँ और डोनेशन के हवाले से जो स्पीच है वो करें, और आप सबसे गुजारिश है कि आप जितना भी सपोर्ट कर सकते हैं इस कॉज को कीजिएगा। मोहम्मद रमज़ान। जनाब सदर, मेहमान मोहतरम माशा गुप्ता कुरैशी साहिबा और सारे दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, आप सबको सलाम। SIUT, आपने बैनर्स पढ़े, नाम सुना होगा, बट आई थिंक स्टिल SIUT को वो रिकग्निशन नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए। SIUT एज यू नो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, बट इट इज़ रियली गॉन बियॉन्ड ट्रांसप्लांटेशन, बियॉन्ड जस्ट यूरोलॉजी, मेनी मोर सर्विसेज। तो मुख्तसरन 2-4 मिनट जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारा दिल अब भी अपने मुल्क के साथ लगा रहता है, हम इसको भी मुल्क कहते हैं तो उसको भी अपना घर और मुल्क कहते हैं, वो हमसे कम से कम हमारी जनरेशन से ये नहीं होगा कि हम उसको भूलें। तो ये वो एक इंस्टीट्यूट था, वो आई रिमेंबर, मैं mid-80s में जब स्टूडेंट था तो उस ज़माने में भी ये 8-10 बेड का एक सिर्फ वार्ड था जिसको डॉक्टर अदीब रिजवी साहब चलाते थे। I got my father even admitted over there for a surgery. और उससे आज वो एक बड़ा इंस्टीट्यूट बन चुका है, एक 820 बेड हॉस्पिटल एंड मैनी सेटेलाइट सेंटर्स एंड नॉट इन कराची। कराची जिसकी पॉपुलेशन 20-30 मिलियन के करीब, पता नहीं एग्जैक्ट फिगर क्या हो, बट नॉट सर्विंग ओनली कराची पॉपुलेशन बट द एंटायर सिंध एंड बियॉन्ड सिंध। देर आर सेटेलाइट सेंटर्स इन मुजफ्फराबाद, इन सकर एंड मैनी मोर एक्सपेंशंस गोइंग ऑन। तो आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, एक रिमाइंडर है कि जब हम यहाँ पे कोई अपनी ज़कात, कोई सदकात, जो डोनेशन देना चाहते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर SIUT। अदीब साहब जैसा डेडिकेटेड बंदा और प्रोफेसर, आई थिंक देयर विल बी रियली वेरी फ्यू ऑफ देम। अल्लाह उसको लंबी उम्र दे, बट ही डेडिकेटेड हिज लाइफ लिटरली टू सर्व ह्यूमैनिटी। आई थिंक देयर विल बी रियली फ्यू टू टेक दोज स्टेप्स एंड टू फिल दोज शूज। तो हमारा काम है कि वो इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है, इट्स एन इंडिपेंडेंट ट्रस्ट। देयर मे बी मेरी प्रॉब्लम्स विद हाउ द सिस्टम वर्क्स इन सिंध गवर्नमेंट एंड ऑल दैट, बट दिस इंस्टीट्यूट हैज इट्स ओन ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंटली वर्क्स एज अ ट्रस्ट। तो इसको जितना हम सपोर्ट कर पाएंगे, उतना वो लोग
जो वहाँ पे who cannot afford, and you know that in Pakistan, even though it's a nationalized health system, but many people who live in poverty cannot afford the treatment. तो वहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इवन लेबोरेटरी सर्विसेज, रेडिएशन थेरापी, ऑल दिस इज गोइंग ऑन. मेनी फिलंथ्रापिस्ट आर ओवर देयर हु आर डेफिनेटली सपोर्टिंग. मेनी मोर इंस्टीट्यूट एंड सेटेलाइट कैंपसेज आर बींग बिल्ट. तो सिर्फ अख्ताम में मैं डॉक्टर रिजवी साहब का ये, आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू मोर डिटेल्स टू जस्ट बोर यू, क्योंकि खाना हो चुका, चाय हो चुकी, किताब की रुनमाई हो चुकी, अब आप मुशायरे के इंतज़ार में हैं. पर गुजारिश ये है कि दिसंबर का महीना है, सून यू विल बी एंड ऑफ द ईयर एंड देन अंकल सैम विल कम टू यू एंड टेक इट्स शेयर वेदर यू हैव पेड आर नॉट, बट देन द डेडलाइंस विल कम एंड यू विल से आई विश आई वुड हैव कंट्रीब्यूटेड बिफोर दिसंबर 31st. एक रमज़ान का महीना जब आप याद करें कि अल्लाह आपको तौफीक दें कि अगले रमज़ान में और दिल खोल के आप दें. दूसरा ये कि दिसंबर 31st की डेडलाइन विद अमेरिकन टैक्स सिस्टम, दिस इज अ टाइम टू रियली ओपन योर वॉलेट्स, राइट अ चेक, क्रेडिट कार्ड, व्हिच एवर वे यू कैन डोनेट, दैट विल बी ग्रेट. तो अतीफ साहब का ये कॉल कि वी कैन नॉट लेट देम डाई जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव. तो बस ये जहन में रखें, अल्लाह आप जो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो किसी और मासूम की, किसी गरीब की जान बच जाएगी. थैंक यू वेरी मच. SIUT नॉर्थ अमेरिका जो है ये 501c चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2000 में फॉर्म हुआ था अमेरिका में. इसका मिशन ये है कि सपोर्ट करता है ह्यूमैनिटेरियन और हेल्थ कॉजेस को, और मेजर एम्फेसिस जो है वो SIUT पाकिस्तान सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, जो कराची में बहुत ही मशहूर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको यहाँ से हम लोग फंडिंग करते हैं. अप्रॉक्सीमेटली पिछले 4 साल में $15 million जो है यहाँ से फंडिंग हो चुकी है. इट्स एन 820 बेड फैसिलिटी और ये लार्जेस्ट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान का, जो कि फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज किडनी में, लिवर और डिसऑर्डर्स में प्रोवाइड करता है. यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं, ऑनकोलॉजी, NGI और अदर स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज. इसके 9 सेटेलाइट सेंटर्स हैं. अब तक पिछले 40 साल में 12 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट किया है SIUT ने. तकरीबन 2 लाख इमरजेंसी पेशेंट्स को अब तक डील कर चुके हैं. इमरजेंसी में 3.3 मिलियन पेशेंट्स को ट्रीट किया है. तकरीबन 5 लाख डायलिसिस सेशंस अब तक हो चुके हैं और तकरीबन 1.25 लाख के करीब प्रोसीजर्स और सर्जरीज भी हो चुकी हैं. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट है, और हम यहाँ पे इसके लिए ये मुख्तलिफ इवेंट्स को स्पॉन्सर करते रहते हैं और SIUT को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं. अभी हमने रिसेंटली मैसेचुसेट्स में एक चैप्टर इस्टेब्लिश किया है. कनेटिकट का भी चैप्टर हमारा फॉर्म हो रहा है और हमारा हेडक्वार्टर जो है इट्स बेस्ड इन ह्यूस्टन. अभी इसी साल हमने एक मेजर फंड रेजर किया ह्यूस्टन में, जिसमें तकरीबन $1 million हमने रेज किए हैं. ऑन एन एवरेज हमारा 2023 का बजट जो है वो $6 million है जो हम रेज करने का हमारे प्लान्स हैं और वी हैव ऑलमोस्ट मेट देम. तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा मार्केट उलारा काम हो रहा है पाकिस्तान में. तो आप लोग जितना इसको सपोर्ट करें वो आप लोग इस कार्य खैर में शामिल होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया.